हेलो लवली लेडीज आउट देयर, मैं श्रद्धा और इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरा बिजनेस फॉर्मल्स का कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ, ये थोड़ा सा लंबा वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे अलग अलग बिजनेस फॉर्मल्स जो रेगुलरली हम पहनते हैं मंडे टू फ्राइडे, और अगर 5 डेज वर्किंग है आपके पास तो फ्राइडे जनरली कैजुअल डे होता है, हमारे ऑफिस में 6 डेज वर्किंग होता है तो सैटरडे को कैजुअल डे होता है। तो मैं इस पूरे वीडियो में आपके साथ मंडे टू फ्राइडे का लुक, जो रेगुलर फॉर्मल्स का आता है, और जो सेमी कैजुअल या सेमी फॉर्मल्स का जो लुक है सैटरडे या फ्राइडेज के लिए, मैं वो लुक भी आपको दिखाने वाली हूँ। और इन लुक्स को छोड़कर कुछ और जो सेटिंग्स होते हैं, जैसे कि अगर कोई ऑफिस की पार्टी हो या ऑफिस में कोई और इवेंट हो जो आप प्रेजेंट कर रहे हो, तो उसके लिए भी मैं किस टाइप के बिजनेस फॉर्मल्स पहनती हूँ, मैं वो सारा कलेक्शन मैं इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। इसलिए पहली वार्निंग ये है कि वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। अगर आप अपना खुद का बिजनेस फॉर्मल्स का वार्डरोब बनाने वाले हैं तो ये वीडियो आपको डेफिनेटली इंस्पायर करेगा और बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं। दूसरी वार्निंग ये है कि ये कोई फैशन व्लॉग नहीं है, इसलिए आप इसमें बहुत सारे डिज़ाइनर टाइप कपड़े तो नहीं देखेंगे, पर इसमें मैंने जेन्युइनली जो ब्रांड्स मैं यूज़ करती हूँ रेगुलर बेसिस पे, वो ब्रांड्स के कपड़े मैं इसमें दिखा रही हूँ जो रेगुलर ब्रांड्स मैं यूज़ करती हूँ। तो ये मेरा बेसिकली पर्सनल कलेक्शन है जो मेरे को डे टू डे लाइफ में मेरा जो फॉर्मल्स का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने वाला ये कलेक्शन है। जिन ब्रांड्स के ऊपर मैं रिलाई करती हूँ अपने फॉर्मल्स के लिए, वो है वैन यूजन, वीरो मोडा, H&M, मार्क्स एंड स्पेंसर्स, जारा, एलन सोली, पार्क एवेन्यू, एनाबेला बाय पैंटलू, मैडम और एंड। अगली चीज़ ये है कि मैं प्रोफेशनल मॉडल नहीं हूँ, ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट है और COVID-19 लॉकडाउन में मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, और इस टाइप का वीडियो जिसमें मेरे सारे बिजनेस फॉर्मल्स को मैं बहुत दिन से शेयर करना चाहती थी या एक कैटलॉग बनाना चाहती थी, तो ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट है और आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा और बहुत सारे इसमें से आपको आइडियाज़ भी मिलेंगे बिजनेस फॉर्मल्स या फॉर्मल वार्डरोब बनाने के लिए। अगर आप बिगनर हैं तो इसमें से आपको काफ़ी आइडियाज़ मिल सकते हैं। अगली वार्निंग ये है कि इस वीडियो में आपको लग सकता है कि कुछ जो ड्रेसेस है वो एग्जैक्ट फिटिंग के नहीं है, पर COVID-19 के लॉकडाउन में मैंने 1 महीने के अंदर 7 to 8 kgs वेट लूज़ किया है, तो आपको लग सकता है कि कुछ जो ड्रेसेस है वो एग्जैक्ट फिटिंग नहीं है क्योंकि मैंने काफ़ी वेट लॉस किया है। सो थैंक्स टू शुभ्रा माय वेलनेस कोच, जिन्होंने मुझे 1 महीने में 7 to 8 kgs का वेट लूज़ करने में लॉकडाउन पीरियड में हेल्प किया, और काफ़ी हेल्दी फूड हैबिट्स भी मेरे को उनसे सीखने को मिली, और इसकी वजह से मेरा काफ़ी हद तक वेट लॉस हुआ। और मैं ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहूँगी शुभ्रा जी को थैंक यू बोलने के लिए, थैंक्स अ लॉट। मेरा जो फॉर्मल्स का वार्डरोब है शायद पूरा ही अब ऑल्टर करना पड़ेगा, बट दैट्स ओके, इट वॉज वर्थ इट। अगर आप में से कोई भी वेट लॉस करना चाहता है और अगर हेल्दी वेट लॉस करना चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि शुभ्रा जी से आप वेलनेस का कोचिंग लीजिए, उनसे आप कंसल्टेशन लीजिए, और वो आपको ऑनलाइन में ही आपके फूड हैबिट्स करेक्ट करके हेल्दी वे में वेट लॉस करने के लिए हेल्प करेंगी। तो अगर आपको उनको कंसल्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को आप भर दीजिए और शुभ्रा जी की टीम आपको कॉल करेंगी और आपको कंसल्ट करेंगी। तो अगली वार्निंग ये है कि इस वीडियो में मैं जितने भी ड्रेसेस दिखा रही हूँ ये नए ड्रेसेस नहीं है, ये मेरा ऑलमोस्ट कलेक्शन 3.5 to 5 years ओल्ड कलेक्शन है, पर मैंने इसको काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन किया है, और ये जो कलेक्शन मैं आपको दिखा रही हूँ ये काफ़ी पुराना है। इसमें से कुछ ड्रेसेस अभी भी अवेलेबल है, जब मैंने इंटरनेट पर चेक किया तो काफ़ी सारी साइट्स के ऊपर ये अवेलेबल है, और इस वीडियो में मैं आपको जो भी ड्रेसेस अवेलेबल है उसकी लिंक्स भी देने वाली हूँ, तो आप उसको क्लियरली वहाँ से खरीद सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो। तो अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो आपके पास भी फॉर्मल्स में कॉमन रेगुलर फॉर्मल्स है वो ज़रूर आपके पास होंगे, जैसे कि ट्राउजर्स, पैंट, शर्ट्स, टॉप्स, ब्लाउजेस और ब्लेजर्स। तो ये तो बेसिक जो कॉमन कलर्स होते हैं, जैसे कि ब्लैक, ग्रे, क्रीम, या जैसे ये व्हाइट कलर का स्ट्राइप्स वाला वैन यूजन का ये लुक है जो मैंने पहना है, इस टाइप के प्लाजो में या इस टाइप के ब्लेजर के कलर्स तो आपके पास ज़रूर होंगे क्योंकि ये काफ़ी कॉमन है। मेरे पास जितने भी शीट ड्रेसेस हैं मैं वो सारे आपको दिखाने वाली हूँ। शीट ड्रेसेस का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप एक ड्रेस से कई लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ ब्लेजर चेंज करेंगे तो शीट ड्रेस का पूरा लुक चेंज हो जाता है, और जो कलर है ब्लेजर का वो आपके ऑफिस में कौन सा फॉर्मल ओकेशन है, कैसा सेटिंग है, क्या इवेंट है, उसके हिसाब से आप ब्लेजर का कलर चेंज करके
पूरा लुक चेंज कर सकते हैं। तो पहला ड्रेस जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है वीरो मोडा ब्रांड का। ये शीट ड्रेस मैंने ऑलमोस्ट साढ़े तीन साल पहले खरीदा था। और जो पहला ड्रेस मैंने, मेरे पास ऐसे दो वेरिएंट्स है। पहला जो ये स्लीवलेस शीट ड्रेस है ये मैंने खरीदा था सेंट्रल मॉल बेलंदूर बैंगलोर से, और दूसरा मैंने ऑनलाइन में मंगाया था। ये ड्रेस मैंने बहुत बार यूज़ किया है, बहुत ही सारे इवेंट्स को होस्ट करते वक्त मैंने पहना है, पर हर बार इसका लुक अलग होता था क्योंकि मैंने सिर्फ ब्लेज़र चेंज किया है। और इस एक ड्रेस को यूज़ करके मैंने तीन टाइप के लुक्स क्रिएट किए हैं। पहला है फॉर्मल, कम्प्लीटली फॉर्मल, दूसरा है सेमी फॉर्मल लुक, और तीसरा है कैजुअल और पार्टी वेयर लुक। जो पहला लुक मैंने क्रिएट किया है इस एक वीरो मोडा शीट ड्रेस को लेकर, इसमें दो वीरो मोडा ब्रांड के ही ब्लेजर्स मैंने ट्राई किए हैं, जिसमें ब्लू और क्रीम कलर को यूज़ करके मैंने बहुत ही अच्छा प्योर फॉर्मल लुक क्रिएट किया है। ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, ये पूरा का पूरा लुक वीरो मोडा का है। और जो दूसरा मैंने लुक क्रिएट किया है उसमें शॉर्ट ब्लेजर्स जिसमें हुक होता है उस टाइप के डिज़ाइन से मैंने क्रिएट किया है। इसमें मैंने वैन न्यूज़न का ग्रे कलर, एलन सोली का व्हाइटिश ग्रे कलर, और तीसरा पार्क एवेन्यू का पीच कलर जो कि ब्राइट लुक देता है। ऐसे ये तीन लुक्स मैंने क्रिएट किए हैं शॉर्ट ब्लेजर्स को यूज़ करके इस शीट ड्रेस के ऊपर। जो अगला लुक मैंने क्रिएट किया है वो लॉन्ग ब्लेजर्स को इस शीट ड्रेस के साथ टीम अप करके मैंने क्रिएट किया है। तो पहला कलर है लाइट पर्पल कलर, ये वैन यूजन कंपनी का है और ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये ऑनलाइन में भी अवेलेबल है, ये मेरा मोस्ट फेवरेट लुक है, बहुत ही रॉयल और एलिगेंट लुक देता है। जो अगला कलर्स है उसमें मैंने व्हाइट और रेड कलर का लॉन्ग ब्लेजर्स ट्राई किया है। इससे भी व्हाइट कलर से काफ़ी फ्रेश लुक आता है और रेड कलर से काफ़ी कमांडिंग लुक आता है। तो इस एक शीट ड्रेस के ऊपर आप ये तीन अलग अलग लॉन्ग ब्लेजर्स भी ट्राई कर सकते हैं। व्हाइट और रेड ब्लेजर तो बहुत कॉमन है, लाइट पर्पल वैन न्यूजन का जो है ये इतना कॉमनली मैंने नहीं देखा है, पर ये बहुत अच्छा लुक देता है। अब जो अगला लुक मैं दिखा रही हूँ इसमें रेड कलर का शॉर्ट डिफरेंट टाइप के कॉलर का ब्लेजर यूज़ करके ये और एक रेड कलर में दूसरा लुक क्रिएट किया है। अगर आप बहुत कमांडिंग लगना चाहते हैं, अगर आप किसी चीज़ को होस्ट कर रहे हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो रेड कलर परफेक्ट लगता है। तो सेटिंग के हिसाब से आप ब्लेजर का कलर चूज़ करके अपना पूरा इमेज चेंज कर सकते हैं। जो अगला लुक मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है ज्योमेट्रिक प्रिंट्स का। मैंने जनरली ज्योमेट्रिक प्रिंट्स कभी ट्राई नहीं किए थे। रिसेंटली मैंने मिंत्रा के ऊपर ये दो जॉम्पर्स मैंने लिए, जिस ये ज्योमेट्रिक लुक पहनने के बाद भी मैंने जस्ट एक्सपेरिमेंट किया कि ज्योमेट्रिक लुक्स के साथ ये ड्रेस कैसा लगेगा, और ये भी बहुत बढ़िया लगता है। पर ये थोड़ा सा प्योर फॉर्मल लुक में नहीं, थोड़ा सेमी फॉर्मल लुक में, या डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से इंडस्ट्री में काम करते हैं, इस टाइप के ब्लेजर्स के साथ आप टीम अप कर सकते हैं। और अगर आपको कैजुअल लुक चाहिए, अगर इसी एक ड्रेस को यूज़ करके आप कैजुअल लुक बनाना चाहते हैं, तो फ्लोरल डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पिंक कलर का ब्लेज़र, फ्लोरल ब्लेज़र पहना है, और इसको पहन के बहुत ही कैजुअल लुक आ जाता है, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। कैजुअल सेटिंग के लिए ये पिंक कलर का फ्लोरल ब्लेज़र बहुत अच्छा रहता है। और आखिरी लुक जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है वीरो मोडा ब्रांड का गोल्डन ब्लेज़र। ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, ये मस्ट हैव है। इसको आप इस तरीके के शीट ड्रेस के साथ या पैंट्स के साथ, ट्राउजर्स के साथ भी टीम अप कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको किसी फ्राइडे को ऑफिस के बाद पार्टी में जाना है तो बस अपने साथ ब्लेजर लेकर जाइए। ब्लेजर पहन के आप कंप्लीटली पार्टी मूड में शिफ्ट हो सकते हैं। और अगर आपने दिन भर यही शीट ड्रेस पहना है किसी फॉर्मल ब्लेजर के साथ, तो शाम को आप सिर्फ ये गोल्डन कलर का वीरो मोडा का ब्लेजर चेंज करके कंप्लीट लुक चेंज कर सकते हैं और पार्टी मोड में इंस्टेंटली जा सकते हैं। तो ये मेरा फेवरेट ब्लेजर है एज फार एज द पार्टी लुक इज कंसर्न्ड। अब इसके बाद जो मैं अगला शीट ड्रेस आपको दिखाने वाली हूँ वो है प्रिंटेड, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ डार्क ब्लू एंड वाइट कलर है। वाइट और ब्लू कॉम्बिनेशन बहुत ही एलिगेंट और रॉयल लगता है। ये मेरा बहुत फेवरेट ड्रेस है, ये मैंने रैंडमली फ्लिपकार्ट के ऊपर देखा और काफ़ी लॉन्ग है। तो मेरा पहले वाला ब्लैक शीट ड्रेस भी लॉन्ग है, ये ब्लू वाला ड्रेस भी बहुत लॉन्ग है, तो इसलिए बहुत कंफर्टेबल लगता है। इसके साथ आप स्टॉकिंग्स पहन सकते हैं या आप स्किप भी कर सकते हैं। ये जो शीट ड्रेस है ये एंड कंपनी का है और इसको मैंने फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन खरीदा था। तो इसको मैं टीम अप करती हूँ, अगर आप चाहे तो इसको बिना ब्लेजर के भी पहन सकते हैं, और अगर ब्लेजर की जरूरत पड़े तो आप इसको शॉर्ट, मेरे पास दो ब्लेजर्स हैं जो इसके साथ मैच होते हैं, दोनों वीरो मोडा ब्रांड के हैं, एक शॉर्ट ब्लू ब्लेजर है और एक लॉन्ग ब्लू ब्लेजर है। दोनों के साथ ये ड्रेस बहुत अच्छी लगती है, या विदाउट ब्लेजर भी आप इसको एज अ सिंगल पीस ड्रेस भी पहन सकते हैं ऑफिस के लिए, बहुत अच्छा लगता है।
चलिए अब बढ़ते हैं अगले लुक की तरफ। अगला जो ड्रेस मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है मार्क्स एंड स्पेंसर्स का। ये क्रीम कलर का ड्रेस है, इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, मैंने बहुत बार यूज़ किया है, बहुत ही ड्यूरेबल, बहुत अच्छा मटेरियल है। ये मार्क्स एंड स्पेंसर्स का स्लीवलेस शीट ड्रेस बहुत एलिगेंट लगता है क्योंकि ये क्रीम कलर का है और इसको आप मिनिमल ज्वेलरी के साथ पहन सकते हैं। इसके साथ मैं जनरली कोई ब्लेजर नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि ये मुझे ऐसे ही एज अ सिंगल पीस ड्रेस बहुत अच्छा लगता है। अब अगला ड्रेस जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है वैन यूजन से, ग्रे और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन में। जो शीट ड्रेस है वो थोड़ा सा शॉर्ट है, अभी तक के जो मैंने आपको शीट ड्रेसेस दिखाए वो सारे लॉन्ग है, मच बिलो नी है, पर ये थोड़ा सा शॉर्ट है कंपैरेटिवली। इसको मैं हमेशा स्टॉकिंग्स के साथ पहनना पसंद करती हूँ और ग्रे शीट ड्रेस के साथ ब्लैक वैन यूजन का ही ब्लेजर है, तो ये पूरा लुक प्लस सैंडल्स भी वैन यूजन के हैं, तो ये पूरा लुक वैन यूजन कंपनी का है और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये किसी भी प्योर फॉर्मल सेटिंग के लिए परफेक्ट ड्रेस है और ब्लैक और ग्रे कॉम्बिनेशन, कभी भी आप अगर डाउट में हैं तो ब्लैक और ग्रे वर्क करता ही है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि किसी पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के लिए, मीटिंग के लिए किस टाइप का ड्रेस पहना है, कौन सा कलर पहना जाए, तो ये बहुत ही कॉमन रेगुलर कलर है फॉर्मल्स में, ग्रे और ब्लैक का कॉम्बिनेशन। व्हेन इन डाउट दिस इज अ परफेक्ट ऑप्शन एंड वन ऑफ माई फेवरेट अगेन फ्रॉम वैन यूजन ब्रांड। अगला जो ड्रेस मैं दिखाने वाली हूँ ये भी शीट ड्रेस है, 3/4 स्लीव्स का है। अभी तक के मेरे सारे जो ड्रेसेस थे वो 3/4 स्लीव्स किसी में भी नहीं था, तो ये वाला 3/4 स्लीव्स में शीट ड्रेस है। ये मैंने रिसेंटली मिंत्रा पे लिया है ऑनलाइन में और इसके साथ भी ब्लेजर की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ड्रेस इन इट्सेल्फ इज़ कम्प्लीट और ये बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी कंफर्टेबल है, इसके साथ लाइनिंग बहुत अच्छा है और ये ड्रेस जिस तरीके से आया घर पे, इसका पैकिंग बहुत बहुत अच्छा था, बहुत ही सुंदर तरीके से इसको पैक करके ब्यूटिफुली भेजा गया था मिंत्रा से। तो ये एक ये पर्टिकुलर ड्रेस मेरा नया है, अभी तक मैंने जो पिछले 3 शीट ड्रेसेस आपको दिखाए ये बहुत पुराने हैं, इनको मैंने कई बार पहना है, ऑलमोस्ट 3 साल पुराने ड्रेसेस हैं, पर ये वाला जो पर्टिकुलर शीट ड्रेस है ये नया है। अब अगला लुक जो है ये बहुत ही कॉमन रेगुलर कलर है, आपके फॉर्मल वार्डरोब में ये कलर होना ही चाहिए। ये मुझे हमेशा इंडिगो के एयर होस्टेसेस की याद दिलाता है, ये है डार्क ब्लू कलर। और जो दूसरा ड्रेस है जो सेम लुक देता है पर एक्चुअली मटेरियल बहुत अलग है वो है मार्क्स एंड स्पेंसर्स का। इसमें जो डिज़ाइन है इस शीट ड्रेस का वो भी अलग है, ये भी शॉर्ट ड्रेस में आता है, ये बहुत लॉन्ग में नहीं आता है, पर ये पर्टिकुलर शीट ड्रेस में यहाँ पे फ्लेयर है और इस टाइप यहाँ पे कुछ डिज़ाइन सा है और जो मटेरियल है वो काफ़ी सॉफ्ट है और बहुत ही कंफर्टेबल लगता है। तो मार्क्स एंड स्पेंसर्स और वैन यूजन, ये दो ब्रांड्स में मेरे पास ब्लू कलर का फॉर्मल शीट ड्रेस है, ये किसी भी ओकेशन के लिए, किसी भी रेगुलर ऑफिस डे के लिए परफेक्ट है, तो आपके वार्डरोब में ये कलर का ड्रेस ज़रूर होना चाहिए। और अब मैं कुछ मिसेलेनियस लुक दिखाऊंगी, ये जनरली स्लीवलेस और लिटिल शॉर्ट शीट ड्रेसेस में आते हैं, जैसे कि ये एलन सोली का ड्रेस, ये थोड़ा शॉर्ट है, ये मैं ओकेशनली पहनती हूँ। और जो दूसरा ड्रेस है वो एथीना कंपनी का, ये भी मैं ओकेशनली पहनती हूँ क्योंकि ये थोड़े शॉर्ट में आते हैं। अभी तक के जितने शीट ड्रेसेस थे वो काफ़ी लॉन्ग थे, ये वाला थोड़ा शॉर्ट में आता है तो ये मैं काफ़ी ओकेशनली पहनती हूँ। और अगला जो लुक मैं शीट ड्रेसेस में आपको दिखाने वाली हूँ ये फॉर्मल नहीं है, ये वैन यूजन का सिल्की मटेरियल में, बहुत ही शाइनिंग मटेरियल में और सैटिन टाइप ऑफ मटेरियल का शीट ड्रेस है जो कि बहुत लॉन्ग नहीं है, मीडियम लेंथ का है, जस्ट बिलो नीज, और इसको मैंने टीम अप किया है वैन यूजन के ही ब्लेजर के साथ। तो वैन यूजन का जो ब्लेजर है वाइट कलर का, जिसमें यहाँ पे बटन है और उसका बिल्कुल कट इस तरीके से जाता है और ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही फेमिनाइन लुक देता है। और ये वाइट कलर का जो ब्लेजर, अगर आप वाइट कलर का स्पेशली कोई ड्रेस पहन रहे हैं तो बहुत ही रॉयल, बहुत ही फ्रेश लुक, एलिगेंट लुक देता है, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। तो अगर आप कोई इवेंट होस्ट कर रहे हैं तो ऑफिस इवेंट्स के लिए ये ड्रेस परफेक्ट है, रेगुलर ऑफिस वेयर के लिए तो नहीं है, पर ये ब्लेजर आप पैंट्स के साथ, ट्राउजर्स के साथ टीम अप जरूर कर सकते हैं रेगुलर वेयर के लिए। पर अगर ऑफिस में कोई इवेंट है और इवेंट को आप होस्ट कर रहे हैं या अटेंड कर रहे हैं तो इस टाइप के इवनिंग इवेंट के लिए इस टाइप का सैटिन मटेरियल का या सिल्की शाइनी मटेरियल का वैन यूजिन का शीट ड्रेस परफेक्ट ऑप्शन है। इसमें मिंत्रा के ऊपर और भी कई सारे कलर्स अवेलेबल
अवेलेबल है जो आप ब्राउज कर सकते हैं। और मैंने पर्टिकुलरली ये लिया क्योंकि ऑफिस रिलेटेड मुझे कलर चाहिए था। पिंक कलर इसमें एक अवेलेबल है पर वो बहुत गर्ली लगता है, तो ऑफिस सेटिंग के लिए मुझे वो एप्रोप्रिएट नहीं लगा। पर ड्रेस बहुत ब्यूटीफुल है, अगर आप किसी और ओकेशन के लिए चाहते हैं तो उसे ज़रूर खरीद सकते हैं। और इसी पर्टिकुलर ड्रेस को मैंने मैडम कंपनी के ब्लेज़र जो कि फ्लोरल डिज़ाइन का है उसके साथ टीम अप किया। उसके साथ टीम अप करने के बाद इसका पूरा लुक एंटायरली चेंज हो गया। तो ये वैन न्यूज़न का शीट ड्रेस विथ मैडम कंपनीज फ्लोरल ब्लेजर एकदम अलग ही पार्टी वेयर लुक देता है। तो ये भी ऑफिस के किसी इवेंट को होस्ट करते वक्त आप पहन सकते हैं, अगर वो नॉन फॉर्मल इवेंट है तो। तो अब मैंने आपको मेरे सारे फॉर्मल और सेमी कैजुअल शीट ड्रेसेस दिखा दिए हैं। तो अब मैं आपको कुछ और ड्रेसेस भी दिखाती हूँ, जैसे कि एक फ्लेयर ड्रेस में मेरे पास वीरो मोडा का ब्लू कलर का ड्रेस है जो मेरा मोस्ट फेवरेट है। इस टाइप का ड्रेस आप फ्राइडे को पहन सकते हैं कि अगर आपको आप पूरा दिन ऑफिस में काम करने के बाद अगर आप शाम को पार्टी में जा रहे हैं तो इस ड्रेस के साथ आप ऐसे ही डायरेक्ट टचअप करके पार्टी में जा सकते हैं। तो ये फ्लेयर जो ड्रेस है ये फ्राइडे या सैटरडे को आप ऑफिस में पहन सकते हैं। ये वीरो मोडा ब्रांड का है पर ये रेगुलर ऑफिस डे के लिए सूटेबल नहीं है, पर कैजुअल वेयर में आप पहन सकते हैं फ्राइडेज को या सैटरडेज को। अब जो अगला ड्रेस मैं आपको दिखा रही हूँ ये है H&M ब्रांड का। ये भी ऐसा है कि आप फ्राइडेज या सैटरडेज को ट्राई कर सकते हैं। ये बॉटल ग्रीन कलर का स्कर्ट है, मेरा मोस्ट फेवरेट फ्रॉम H&M। और इसके साथ मेरे पास दो टॉप्स है, दोनों ही टॉप्स H&M के हैं, एक स्लीवलेस है और एक 3/4 स्लीव्स का है। दोनों ही ऑफ वाइट कलर के हैं पर दोनों में बहुत ही गर्ली लुक आता है, बहुत ही क्यूट लगता है। और ये हाईली रिकमेंडेड मैं कहूँगी कि अगर आपको एक पार्टी वेयर या आपको एक फ्राइडे सैटरडे के लिए कैजुअल ड्रेस चाहिए तो ये बहुत ही मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रेस है। अब अगला लुक जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो रेगुलर ड्रेसेस है जो आप ऑफिस के लिए पहनते होंगे, आपके पास ऑलरेडी होगा मतलब ये सब कुछ। सो पैंट और ब्लेजर्स में मैं जो पहला लुक आपको दिखाने वाली हूँ वो है ज़ारा कंपनी का जो कि मेरा बहुत फेवरेट ब्रांड है। जो फर्स्ट ब्लेजर मैं दिखा रही हूँ आपको, ब्लैक पैंट तो बहुत ही कॉमन है, ये ब्लैक पैंट ज़ारा की है और इसमें वाइट कलर का टॉप है जिसमें यहाँ पे पर्ल्स है, स्लीव्स में भी पर्ल्स है और बहुत फेमिनाइन लुक देता है, बहुत क्लासी लुक देता है। और इसको मैंने टीम अप किया है ज़ारा के ही ब्लेजर के साथ। इस ब्लेजर में स्कार्फ है जो कि पोल्का डॉट्स का डिज़ाइन है और ये स्कार्फ जैसा लुक देता है, ये इसी के साथ अटैच्ड है। तो ये ज़ारा का जो ब्लेज़र है ये मेरा बहुत ही फेवरेट है और मैंने रिसेंटली इसको एक एडवर्टाइजमेंट में अनुष्का शर्मा को पहने हुए देखा, तो मैं वो एडवर्टाइजमेंट भी आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें जब मैंने देखा कि अनुष्का शर्मा ने वो ज़ारा का वही सेम ब्लेज़र पहना है तो मुझे काफ़ी खुशी हुई, काफ़ी अच्छा लगा देखने में। जो दूसरा ज़ारा का ब्रांड है वो है पिंक कलर का लॉन्ग ब्लेज़र, तो ये भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है और इसको भी मैंने रिसेंटली G5 पे किसी सीरीज़ में मैंने इस पर्टिकुलर ब्लेज़र को देखा, मैं उसके भी पिक्चर्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये दोनों ही ज़ारा के ब्लेज़र्स बहुत ही फॉर्मल भी लगते हैं, सेमी कैजुअल में भी पहन सकते हैं, फॉर्मल सेटिंग में भी पहन सकते हैं और कैजुअल सेटिंग में भी पहन सकते हैं। बहुत बढ़िया लगते हैं, बहुत फेमिनाइन लुक देते हैं और बहुत ही क्लासी लगते हैं। तो दिस इज़ माय मोस्ट फेवरेट लुक फ्रॉम ज़ारा। जो अगला लुक है वो H&M से मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये ग्रे कलर का पूरा ही लुक ग्रे कलर का है, पूरा ही ड्रेस H&M से है, जो टॉप है ब्लैक कलर का, ब्लेजर और पैंट सारा ही H&M ब्रांड का है। और ग्रे कलर तो काफ़ी फॉर्मल लगता है, तो किसी भी सेटिंग में फॉर्मल में ब्लैक तो काफ़ी कॉमन है, पर आप एक पूरा ग्रे कलर का ड्रेस भी रख सकते हैं। और अगला लुक मैं आपको वैन न्यूज़न से दिखाने वाली हूँ जो कि ऑलमोस्ट रेड कलर का मेरा शर्ट है वैन न्यूज़न का, और उसके साथ वैन न्यूज़न का ही शॉर्ट ब्लेजर और 3/4 फॉर्मल पैंट है। तो ये लुक भी काफ़ी अच्छा लगता है और इसी तरीके से मल्टीपल लुक्स आप क्रिएट कर सकते हैं, वो यहाँ पे है जो मैंने काफ़ी सारे क्रिएट किए हैं अलग अलग ब्रांड्स के। वैसे तो कई सारे हैं पर वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको बस बता रही हूँ कि जो मेरे मोस्ट फेवरेट है बस मैं वो दिखा रही हूँ। बट इन जनरल आपके पास अगर शर्ट्स का कलेक्शन है और ब्लैक पैंट है तो आप बहुत सारे लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। और अगला लुक जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये पर्टिकुलर लुक है जो वैन न्यूज़न का है पूरा ही, ये स्लीवलेस टॉप ब्लू कलर का और डार्क ब्लू कलर का और स्ट्राइप्स है इस पर्टिकुलर ब्लेजर के ऊपर, स्ट्राइप्स है, 3/4 स्लीव्स है और
इसको टीम अप किया है प्लाजो के साथ. मैं पर्सनली, मुझे लगता है कि प्लाजोज मुझ पे इतने अच्छे नहीं लगते. आई डोंट नो, व्हाट डू यू फील, कमेंट बॉक्स में लिखिए. तो मेरे पास ज़्यादा प्लाजोज नहीं है, बहुत कम है, पर मैं ज़्यादातर ट्राउजर्स प्रेफर करती हूँ ऑफिस के लिए, प्लाजोज नहीं प्रेफर करती हूँ. पर ये एक पर्टिकुलर एक मेरे पास, शायद वार्डरोब में हर एक टाइप का ड्रेस एक तो होना चाहिए, तो ये एक मेरे पास पर्टिकुलरली है जो रेगुलरली ऑफिस के लिए पहन सकते हैं. और ये कलर बहुत प्रीटी लगता है, बहुत एलिगेंट लगता है. ऑफ वाइट कलर है, इसके ऊपर स्ट्राइप्स है और ब्लैक कलर के बटन्स है, तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है. अगर आप वार्डरोब बना रहे हैं अपना फॉर्मल्स का, तो इस टाइप का एक ड्रेस आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं. काफ़ी लॉन्ग ब्लेजर है, आप देख सकते हैं काफ़ी लॉन्ग है, तो काफ़ी अच्छा लगता है. इसको छोड़ के काफ़ी सारे लुक्स हैं जो मैंने यहाँ पे दिखाए हैं. वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने सिर्फ सिलेक्टेड ड्रेसेस को ही यहाँ पे अभी आपको बता रही हूँ. ऑफिस के लिए जनरली मैं स्टड्स पहनती हूँ, तो हर एक ड्रेस में, जितने भी ड्रेसेस आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ, इसमें डायमंड स्टड्स या पर्ल स्टड्स बिल्कुल परफेक्टली मैच होते हैं, बहुत ही फॉर्मल और सिंपल लुक देते हैं, तो और काफ़ी सेफ रहता है. अगर आप हैंगिंग्स पहनेंगे तो वो थोड़ा सा फॉर्मल लुक चेंज हो जाता है, इसलिए मैं प्रिफर करती हूँ कि स्टड्स में डायमंड या पर्ल ही पहना जाए. और जहाँ तक सैंडल्स का सवाल है, कॉमन जो कलर्स है सैंडल्स में जो आप ऑफिस के लिए ट्राई कर सकते हैं, ब्लैक कलर तो बहुत कॉमन है जो आपके हर ड्रेस पे जाएगा, और पॉइंटेड क्लोज्ड सैंडल्स ही ऑफिस के लिए प्रेफर करने चाहिए. तो मेरे पास वाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन है और एक ब्लू का कॉम्बिनेशन है, तो ये दो या तीन अगर आप कॉम्बिनेशन अपने साथ रख लेते हैं तो परफेक्टली आपका वार्डरोब कंप्लीट हो जाएगा. और किसी के साथ भी मिक्स एंड मैच करके आप बहुत सारे लुक्स क्रिएट कर सकते हैं. तो दो या तीन सैंडल्स के साथ जो रेगुलर कलर्स के ड्रेसेस है, जैसे कि ब्लैक, ग्रे, क्रीम, ब्लू, ये ड्रेसेस और दो या तीन फॉर्मल स्टड्स वाले इयररिंग्स और सैंडल्स के साथ आप अपने फॉर्मल वार्डरोब को कंप्लीट कर सकते हैं और परफेक्ट बना सकते हैं, मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं और काफ़ी ट्रेंडी, अप टू डेट भी लग सकते हैं. क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना कि ऑफिस के लिए यू शुड ऑलवेज ड्रेस अप लाइक अ सीईओ, यू शुड ऑलवेज ड्रेस अप फॉर द पोजीशन फॉर विच यू आर एस्पायरिंग, नॉट फॉर द पोजीशन इन विच यू आर राइट नाउ. सो डेफिनेटली मैं कहूँगी कि आपका जो फॉर्मल्स का वार्डरोब है, इसके ऊपर आपको बहुत काम करना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप क्रिएटिव इंडस्ट्री में हैं, तो डिपेंडिंग ऑन आपकी आप कौन सी इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप कलरफुल ब्लेजर्स, कलरफुल ड्रेसेस भी पहन सकते हैं. मैंने इस वीडियो में कलरफुल ड्रेसेस को इंक्लूड नहीं किया है बहुत ज़्यादा, उसको मैंने किसी और वीडियो के लिए सेव करके रखा है. इसमें मैंने सिर्फ रेगुलर फॉर्मल कलर्स के ड्रेसेस ज़्यादातर शेयर किए हैं. 70% ड्रेसेस जो मैंने इसमें दिखाए हैं वो फॉर्मल्स है, और 30% ड्रेसेस जो है वो सेमी फॉर्मल या सेमी कैजुअल, कैजुअल या पार्टी वेयर टाइप भी है, जो ऑफिस रिलेटेड पार्टीज है उनसे रिलेटेड भी ड्रेसेस मैंने इंक्लूड किए हैं. तो आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया. और ये वीडियो मैंने COVID-19 के लॉकडाउन में बनाया है घर पर ही, तो और ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट है इस टाइप का वीडियो बनाने का, इसलिए आपके कमेंट्स, फीडबैक्स और सजेशंस के लिए मैं डेफिनेटली वेट करूंगी. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके जैसी लवली लेडीज़ के साथ शेयर ज़रूर कीजिए. सो अभी तक के लिए बिजनेस फॉर्मल्स के वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में. Thank you very much.
Thank you.